सांसद शांता कुमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि धर्मशाला के तपोवन में करोड़ों की लागत से निर्मित विधानसभा भवन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से विधानसभा भवन निर्माण पर हुए करोड़ों रुपए के दुरुपयोग को सदुपयोग में बदला जा सकता है। वैसे भी तपोवन विधानसभा भवन में साल में केवल 5 दिन ही शीतकालीन सत्र के दौरान आयोजित किया जाता है। ऐसे में इस भवन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया जाए तो भवन का सदुपयोग हो पाएगा, फिर चाहे तो सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास की बजाय उद्घाटन भी करवा सकती है। शांता कुमार ने प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार को भी विकास में विपक्ष का सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पन विद्युत परियोजनाओं और पर्यटन विकास में विपक्ष द्वारा सरकार को सहयोग दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो नई पर्यटन नीति बनाई है उससे निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शांता कुमार ने कहा कि विपक्ष द्वारा विरोध के लिए विरोध की राजनीति की जा रही है जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो पहिए होते हैं लेकिन वर्तमान में उल्टा हो रहा है। शांता कुमार ने कहा कि धर्मशाला में हाईकोर्ट के सर्किट बेंच की स्थापना मांग काफी पुरानी है। इस बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है। उन्होंने प्रदेश हाईकोर्ट से अपील की है कि धर्मशाला में सर्किट बेंच के लिए सहमति प्रदान की जाए जिससे लोगों को लाभ मिल सकेगा। वहीं शांता कुमार ने कहा कि गूगल सूचना दे सकता है लेकिन संस्कार नहीं। वर्तमान में ड्रग्स के नशे के साथ मोबाइल का नशा भी बढ़ गया है। पंजाब में नशे का रोग हिमाचल में आ गया है, वहीं कुल्लू व मलाणा से नशा आ रहा है। ड्रग्स व मोबाइल के नशे की वजह से वर्तमान में समाज संस्कार विहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि कानून भी सजा दे सकता है, संस्कार नहीं। ऐसे में वर्तमान माहौल को देखते हुए स्कूलों में योग व नैतिक शिक्षा शुरू की जाना अत्यंत आवश्यक है। सहमत हूँ कि मामले लटके हुए हैं, लटकने नहीं चाहिए, समय होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उस संबंध में जमीन लेने तब्दील करने की सारी फॉर्मेलिटी लगभग कंप्लीट हो रही है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास तो निश्चित रूप से 2-1 महीने में होने ही वाला है। ठीक है, मैंने एक नया सुझाव दिया है कि शिलान्यास नहीं, हम उसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। यहाँ पर विधानसभा का जो करोड़ों का भवन बना पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, रख रखाव पर और अधिक खर्च होता है, उस विधानसभा के भवन को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सरकार दे तो फिर शिलान्यास नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी धर्मशाला में हो, हम ये कोशिश करना चाहते हैं। सर शांता कुमार के यही कहना है कि मैं चाहता हूं कि पार्टी किसी और को लड़ाए और जताए, मैं साथ हूं। लेकिन देखिए, मैंने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी ने लड़ा, मुझे उम्मीदवार बनाया। हमारी पार्टी में हम चुनाव नहीं लड़ते, पार्टी निर्णय करती है, चुनाव पार्टी लड़ती है, उम्मीदवार किसी को बना दी थी। तो मेरे मन की इच्छा है, मैंने अपनी चर्चा बता दी है, लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्टी। सर, पार्टी अब तक आपके 2 बार मना करने के बावजूद नया चेहरा क्यों नहीं उतार पा रही है? काम क्या भाजपा के पास चेहरों की कमी है? इस बात का जवाब तो पार्टी दे सकती है। आप भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता आपको ही पार्टी मानते हैं। जो काम जिसका है ये निर्णय पार्टी को करना है, पार्टी जो निर्णय करेगी उसके मुताबिक कार्यकर्ता उस पर अमल करेंगे। सर अभी